आपकी और मेरी ये बेवक्त की मोहब्बत टाइम बॉम्ब की तरह किसी भी वक्त धमाके से घर बिखर जाएगा। कभी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारी तरफ भी देख लिया करो। जरूरी नहीं है कि बीवी हमेशा शौहर के सर पर सवार हो, उसे तना भी छोड़ देना चाहिए। आई नीड माई स्पेस। Excuse me. आजकल जानी टेबल पर कुछ ज्यादा सुकून नहीं, ना वो रौनक है ना वो मजाक। What's wrong with you? जमीर जाग गया है मेरा। फलक की आंखों में बहते हुए आंसू अब मेरी आंखों के रास्ते बहने लगे। आपको और मुझे ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फलक सब जानती है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, कुछ नहीं बोलती। और तभी तुमने उसकी खामोशी का हमेशा फायदा उठाया। ताजीर से मिलने का कोई भी बहाना तुम अपने हाथ से नहीं जाने दोगी। कभी उसके ऑफिस में, कभी बैकयार्ड में, कभी स्टडी में, या फिर कभी तुम्हारे बेडरूम में। मैं जॉब छोड़ चुकी हूं ना सर, मैंने खुद जॉब छोड़ी है। मैं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफना रही हूँ। मैं खुद तासीर को धुतकार रही हूँ, धक्के दे दे के उसको दूर कर रही हूँ खुद से, हालांकि अंदर से मैं बिखरती जा रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की एक वाहिद राहत को अपनी रूह से नोच कर अलग कर दिया। ये आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत तकलीफ होती है मुझे। फलक की तन्हाई दूर करने की कोशिश में मैं खुद तन्हा होती जा रही हूं। मैं हूं तुम्हारे साथ। अकेली नहीं हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम एक बार कदम उठाकर तो देखो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा था यहां? मंशा यहां? पहले तासीर और अब तुम? मेरे साथ कोई नहीं है। असल में तुमसे पूछ रही हूं, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि आरिफ ने खुद को कहां कहां बोया हुआ है। शायद आधा तुम्हारे घर में और आधा मेरे घर में। क्या हो रहा था ये? देखो, मुझे तुम्हारी और मंशा की दोस्ती पे कोई एतराज नहीं, लेकिन वही एक चेहरा घूम घूम कर कभी तासीर के साथ कभी तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढोंग रचा रहे, क्या हो रहा है? कैसी साजिश है ये जो मेरे इर्द गिर्द बन रही है, मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे तन्हाई पे अकेला छोड़ने के लिए? कल तक मुझे लगता था कि सिर्फ आरिफ खेल खेल रहा है, लेकिन इस खेल में तो तुम भी शामिल हो। तुम प्लीज मुझे बताओगे कि मंशा किसके साथ है? तुम्हारे साथ है या तासीर के साथ है? प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि तुम ज्यादा बेहतर जानते हो ये सब ड्रामा तुम्हारे सामने हो रहा है। सर, क्यों तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो?
हाथ मत लगा मुझे। मैं अपने दोस्त के पास आई थी अपने दिल की बात करने, अपने दिल का बोझ हल्का करने। मगर नहीं जानती थी जिन लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, तुम उनके साथ बैठे हुए हो, दुख सुख खोले जा रहे हैं। ऐसा क्या है मंशा में? एक शोहर अपनी बीवी को छोड़कर और एक बाप अपनी बेटी को छोड़कर बैठा हुआ है और तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? एक शादीशुदा आदमी को धोखा देकर तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने रो रही हो, तुम उसे तसल्लियां दे रहे हो, क्यों नहीं नजर आ रहा तुम लोगों को? मुझसे एक बात पूछो तो सही, मैं किसके दिल पर ये सब खेल रहा हूं? सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए मैं अपने दिल पर ये सब खेलूं। सिर्फ तुम्हारा घर आबाद रहे इसलिए मैंने खुद को मंशा के सामने पेश कर दिया। तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये सब मैंने अपने लिए किया? नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, ना ही बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई तुम्हारे घर की तरफ नजर फिरा ले। उस तूफान के रास्ते में मुझे अपने आप को खुद लाना ही पड़ा ताकि उस तूफान का रुख मैं अपनी तरफ कर लूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी में लिपटी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, पता दूर रहो मुझसे। अगर तासीर जैसा बंदा बदल सकता है तो दुनिया का को कोई भी मत बदल सकता है। इतना करोगे मेरे लिए तो एक्सपेक्ट करोगे ना ज्यादा, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा मायूसी के सिवा। सोचने से हासिल आशन कोई नहीं, मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त चाहिए था जिनका बोझ हल्का करने आई थी, लेकिन हाँ तो मंशा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, प्लीज दो पल दे दो। मैं सोना चाहती हूँ, मैं सुबह मिलूंगी आपसे, मैं फिलहाल आपसे नहीं मिलना चाहती। क्या तुम मुझे दो पल नहीं दे सकती? रहम करो मुझ पर, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी बेबसी नजर नहीं आती? तुम्हें फलक के आंसू नजर आते हैं, मेरी तड़प नजर नहीं आती? तो मुझे अपने आप से अपनी जिंदगी से जुदा कर सकती हो? अपने दिल से दूर नहीं कर सकती मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर डूब गया हूं कि मुझे अपने वजूद का भी एहसास नहीं। प्लीज मंच, इतनी असियत ना दो, इतनी कि मैं सह ना सकूं। और मैं जानता हूं कि तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फलक की तकलीफ, वो भी तो आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर रही है ना, और शायद उससे भी ज्यादा अजियत बर्दाश्त कर रही है। बार बार फलक को बीच में मत लाओ। बीच में तो मैं आई हूं, आपको नजर नहीं आता? मेरे आने से पहले आप खुश थे, मैं आई हूं और मैंने इस घर को उखाड़ दिया। नहीं अच्छा, मैं खुश नहीं था, मैं अपनी मायूसियों को छुपा रहा था, उन्हें दबा रहा था। तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर के भी जज्बात ऐसे हैं जो इसे खूबसूरत रंग दे सकते हैं।
किया तुमने? तुमने मुझे आजाद की है। मैं खुद कैद हो गई। हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा। मैं ये रिश्ता नहीं खत्म कर सकता, चाहूं तो नहीं कर सकता। मोहब्बत में इस कदर डूब गया हूं कि इस दिल में फलक के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा प्लीज बच्चे, प्लीज मेरी मोहब्बत की खातिर ध्यान रखो। फलक ने हमें देखा, उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने मुझे भी कुछ नहीं कहा, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशे मन। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, मंशा मैम सर की और मैम की जिंदगी में कभी ना आई होती। मैंने मैम को हमेशा मजबूत देखा है, लेकिन आज वो रो रही है सिर्फ आपकी वजह से। और सर, जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती है, जिसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे, आपकी वजह से। जानती है ना आप, बच्चे मुझसे पूछते कि मॉम डैड आपस में बात क्यों नहीं करते, क्या जवाब दूं मैं? बताए ना क्या जवाब दूं? काश अब यहां कभी नहीं आई होती। एक बात कहूं मंशा मैम, मुझे घिन आती है आपसे। आप यहां से चली जाए, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके सामने, चली जाए प्लीज, यहां से चली जाए। शायद आपके जाने से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। जब से अब बाप बेटी इस घर में आए हैं ना, इस घर का सुकून खत्म हो गया। इस घर में बचा तो सिर्फ टेंशन। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे, मैम के आंसुओं का बदला लेंगे आपसे। जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे।
रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे गिरने लगे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी में लिपटी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, पता दूर रहो मुझ। अगर तासीर जैसा बंदा बदल सकता तो दुनिया का को कोई भी मत बदल सकता। इतना करोगे मेरे लिए तो एक्सपेक्ट करोगे ना ज्यादा, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। माही मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए था, दिल का बोझ हल्का करने आई थी, लेकिन यहाँ तो उतरने लगे और जिस्म जा सुलगने लगे। मैम काफ़ी देर हो गई है, आप सो जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ सोती हूँ थोड़ी देर में। पानी जिस इंसान के गले में सांस अटकी हुई हो, पानी क्या पिएगा? क्या हुआ? कट के रह गए।
के रह गया हूं मैं। आज एक एतराफ ने मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दिया। कैसे एतराफ? मोहब्बत कैसा? मंशा से मोहब्बत कैसा? और उस वक्त फलक आ गई। तुम्हें तो उसने बता दिया होगा ना? नहीं, फलक ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो अपने घर की इज्जत को बहुत महफूज रखती है, मुझे कभी भी कुछ नहीं बताती। तो तुमने क्या पीछे हटने का फैसला कर लिया? नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। पत्थर का हो जाऊंगा मैं। अब मेरी जिंदगी में मंशा आ गई है। कुछ अरसे पहले तक मैं अलग की मोहब्बत की गहराइयों में डूबा हुआ था। मुझे सुकून या आराम तलाश करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस गहराई में बिल्कुल तना रह गया था। मेरा दम घुट रहा था। को क्यों नहीं पता चला कि उसकी जगह कोई और ले रहा है? और मुझे उस गहराई से मंशा ने निकाला। मुझे उससे मोहब्बत, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मगर ये भी सच है कि मैं फलक को तकलीफ में नहीं देख सकता। से पता चलेगा तो वो टूट कर रह जाएगी। मुझे फलक से मोहब्बत बिल्कुल नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और आज जब उसने मुझे और मंशा को एक साथ देखा, ये तो जानता हूं कि उसने बहुत ही मजबूती से हैंडल कर लिया होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो उस वक्त अंदर से बिल्कुल टूट गई होगी। तासीर, अपनी बेवफाई का इल्जाम फलक पर मत डालो। वो एक मुकम्मल बीवी है। पर कहती हो से क्यों नहीं पता चला कि मेरे अंदर तब्दीली आ रही? अगर वो मेरे इर्द गिर्द होती तो उसे पता चल गया होता ना। कहाँ थी वो? रोए जिंदगी भर। अब वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी। और तुम रुक जाते? क्या तुमने अपनी पसंदीदगी का इजहार उसके सामने किया? तुम दोनों तो एक दूसरे से तमाम बातें शेयर करते थे। इसका मतलब हुआ कि तुम उसको बताना ही नहीं चाहते थे, रुकना ही नहीं चाहते। हर ख्याली रिश्ते की एक मौशरती शक्ल बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं अपने इस रिश्ते को मंशा के साथ एक हद की शक्ल दे दूं। फिर देखते हैं क्या डूबता है, क्या बचता है। तुम लोगों की शादीशुदा जिंदगी यूं तबाह हो जाएगी
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तासीर? मुझे नहीं पता यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि सुकून से बैठ के फैसला कर सकूं। तो तुम चाहते हो कि मैं फलक को सब बता दूं? ऐसे भी उसको इस वक्त किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होगी। बीवी चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, रात को अपने शौहर के जरूर इंतजार करती है। मगर तुम उससे किस वक्त कुछ ना बताना। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम एक काम करो तासीर, तुम आज यहीं रुक जाओ, मेरे कमरे में आराम करो। ये ठीक हूँ यार। प्लीज यार, इट्स ओके, सब ठीक हो जाए। अच्छा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और ये तुम्हारे कमरे को क्या हुआ है? मंशा, उठ उठ उठो, उठो जा, बस उठो। अच्छा क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मंशा, आखिर हुआ क्या है? देख लिया। सब देख लिया? किसने और क्या? फलक ने। फलक ने देख लिया? फलक ने क्या देख लिया? उसने मुझे और मिस्टर तासीर को इकट्ठा देख लिया। फलक ने क्या देखा है? डैड, मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन
मिस्टर तहसीर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें कभी अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। डैड, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। इस रिश्ते से फलक और तासीर का घर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा डैड, और इसमें सिर्फ खुशबू ही रहे। मैं ही तो वजह हूँ इस सब चीज की। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने जो किया है ठीक किया है, मैं सब संभाल लूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है मंजी, कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, बस तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा मंजा। रिस्वान को तुम्हें संभालना है और वो तुम्हें संभालेगा, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो फनक की है, ये रिंग यहाँ कैसे? धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ दिया है धोखा मैंने तुम्हें। है नसर के बीच में और मेरे बीच में कुछ, जाती रही हूँ डेट पर उसके साथ। ये भी ठीक कहा है कि शूटिंग तो एक बहाना था, धोखा दिया है मैंने तुम्हें। फलक कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो बेटा, जाने दो। आई एम श्योर उन्होंने अपने लिए कोई बेहतर घर का इंतजाम कर लिया। वो ना यूं कोई अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं?